तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश के बारे में। दोस्तों ये मेरे हाथ में जो बोतल है आप देख सकते हैं, जन औषधि भारतीय जन औषधि परियोजना की जो अभी स्कीम चल रही है, जन औषधि स्टोर पर मिलने वाला ये माउथवॉश है। इसके ब्रांड नेम भी मिलता है जैसे एक्सिडिन करके जो आता है। इसकी MRP की अगर बात करें तो सिर्फ 19 रुपये यानी कि 19 रुपये में आपको मिल सकती है। जो ब्रांडेड अलग है वो 80 रुपये के आसपास मिलती है। जन औषधि स्टोर पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके कंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 2% इसके अंदर मिला गया है। और दोस्तों जो क्लोरहेक्सिडिन है एक प्रकार का जर्मिसाइड इसे कह सकते हैं या फिर एंटीसेप्टिक, किसको कह सकते हैं एंटीसेप्टिक, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसे खत्म करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, मारता है या फिर उसका जो ग्रोथ होता है या यानी कि उसको विकास को रोकता है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके उपयोग की यानी कि यूजेज की, तो दोस्तों ये क्लोरहेक्सिडिन एक प्रकार का मैंने बताया इस प्रकार से एक जर्मिसाइड या एंटीसेप्टिक है जो खास करके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो मसूड़ों में यानी कि जो गम के अंदर कहते हैं एक प्रकार का जिंजिवाइटिस एक प्रकार का डिजीज जो होता है उसके अंदर खास करके प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो मसूड़ों में एक प्रकार की स्वेलिंग होता है इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, साथ में कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ज़्यादातर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं माउथ वॉश के लिए, यानी इसको इस प्रकार के गुल्ले करने के होते हैं इससे। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण मुंह में एक प्रकार की बदबू आती है सांस के अंदर, तो ये इसके लिए भी काम करता है दूर करने के लिए बदबू को। इस प्रकार से इसके उपयोग की बात करते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करें यानी कि डोजेज, तो दोस्तों बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो दिन में 2 बार इसको कुल्ले करने के हैं। कुल्ले दोस्तों आप 10 ml यानी कि 10 ml ये दवाई लेनी है इसको, और आप चाहे तो इसको डायरेक्ट इसको कुल्ले कर सकते हैं मुंह के अंदर, या फिर इसको पानी में डायल्यूट करके भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको सुबह शाम यानी कि सुबह ब्रश करने के बाद इसको कुल्ले करना है, रात को खाने के बाद ब्रश करने के बाद फिर से इसको कुल्ला करने का है 2 टाइम, यानी कि 10 ml सुबह 10 ml रात को भी इस प्रकार से कुल्ले कर सकते हैं। और याद रखना है कि कुल्ले करने के बाद 1 आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी पानी भी नहीं पीना है, तभी इसका कंप्लीट इफेक्ट आएगा। और साथ में कुल्ले 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसको कुल्ले करना है, यानी कि मुंह में इसको रख करने के बाद कुल्ले करते रहना है 30 सेकंड तक या फिर 1 मिनट तक। उसके बाद में इसको थूक देना है, इसको अंदर निगलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक्सटर्नल यूज़ है, इसको निगलने से प्रॉब्लम हो सकती है एक्सटर्नल यूज़ के लिए। और इसके अंदर भी लिखा हुआ है सेक्वेल बिफोर यूज़, यानी कि इसको पूरा हिलाने के बाद इसको यूज़ करना है। यहाँ पर लिखा है नॉट टू बी स्वेलो, यानी इसको निगलना नहीं है, एक्सटर्नल यूज़ ओनली। इस प्रकार से इसके उपयोग, अब दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है, तो दोस्तों कुछ ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स नहीं होती है, लेकिन कुछ केसों में जैसे जो इस प्रकार की दांतों में स्टेनिंग होती है, इसको अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको लंबे समय तक, तो स्टेनिंग दूर हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों जो टेस्ट मुंह का होता है वो भीड़ जाता है। उसके बाद में साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, एक प्रकार का टार्टर जो इसे कहते हैं फॉर्मेशन होता है, टार्टर प्रकार का फॉर्मेशन मुंह में होता है। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती इसकी, और ये काफ़ी जो जन औषधि की बात करें तो काफ़ी आपको अफोर्डेबल प्राइस में जन औषधि स्टोर पर ही आपको मिलेगा, या ऑनलाइन नहीं मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही काफ़ी अच्छा है ये एक्सिडिन या फिर कुछ भी ब्रांडेड कंपनी का, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर पैसे है आपकी पास तो ऑफकोर्स ये ब्रांडेड यूज़ कीजिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एक बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन रहेगा। जन औषधि स्टोर पर ही आपको आसानी से अवेलेबल है, और एकदम 19 रुपये यानी कि काफ़ी किफायती दाम में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश के बारे में पूरी जानकारी दी है। कुछ और भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।